साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों देखिए, कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसमें पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अगर आप किसी भी प्रयोग को करते हैं और उसमें यदि आप डाउट क्रिएट करते हैं तो वो चीजें फिर सफल नहीं होती हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूं कि पॉजिटिव रहा करें। आज मैं आपको वशीकरण की एक बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूं। अगर आप काफी विधि करके थक चुके हैं, एक बार इस विधि को आप आजमा करके देखिएगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। और जैसे कि हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है, उसका पहले से वशीकरण है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है या उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तो उस पर कोई भी विधि वर्क नहीं करेगी जब तक कि उस चीज को उसके ऊपर से रिमूव न किया जाए। यदि आप लोग किसी व्यक्ति पर काफी रेमेडीज ट्राई कर रहे हैं, काफी अपने वशीकरण की विधि की, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि उसके ऊपर कोई पहले से तांत्रिक क्रिया है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों, यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे ये विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। मेरे पास में जितने भी लोगों के कॉल्स आते हैं, सबका एक ही कहना होता है कि सर हम फ्रॉड में फंस गए, हमने उनको इतना पैसा दिया, हमारा काम नहीं हुआ। तो दोस्तों थोड़ा अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे। जिनको ABCD नहीं पता होती है तांत्रिक क्रियाओं की, वो भी आज एस्ट्रोलॉजर बन के बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, किस व्यक्ति को आता है, किसको नहीं आता है, किससे करवाना है, किससे नहीं करवाना है, है ना। थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करें अपना बुद्धि विवेक का, और उसके बाद किसी को भी आप ये कंडीशन बताएं कि हमें ये विधि करवानी है या नहीं करवानी है, है ना। आज की जो विधि बता रहा हूं ये बहुत ही पावरफुल है, और इसको करने के बाद में आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना यूज करने, पहले बात कर लेते हैं दिन की। आप किसी भी सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में और रविवार के दिन में, इन 4 दिनों में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। समय रहेगा रात्रि 12 से 3 का, क्योंकि ये समय जो होता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है, और इस समय बहुत सारी जो एनर्जियां होती है वो एक्टिव होती हैं, और इस समय यदि हम कोई प्रयोग करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और दूसरी बात कि जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन आपको ब्रह्मचर्य से रहना है। 1 दिन का प्रयोग है, नॉनवेज आपको नहीं लेना है, ड्रिंक एल्कोहल इन चीजों से दूर रहना, कोई स्टोन आपने ना पहना हो, पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर के, शुद्ध तन मन के साथ में, स्वच्छ कपड़े धारण करके इस प्रयोग को आपको करना है। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। जरूरत पड़ेगी इसमें सामग्री की, तो आपको आपकी हाइट के बराबर एक काला धागा, आपका यूज किया हुआ कपड़ा नहीं है तो कोई एक रुमाल ले लें, इसको 2-3 दिन तक अपना पसीना वगैरह इसमें पोंछें, और इसको साफ नहीं करना है, धोना नहीं है आपको, और आपको सीधे हाथ की मुट्ठी में जितना आ जाए उतना नमक आपको लेना है। नमक के साथ में एक फोटो आपको लेनी है, पासपोर्ट साइज में ले सकते हैं, फोटो 1 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, और साथ में चेहरे की सामने की देखते हुए फोटो हो, साइड फेट की फेस की फोटो नहीं चलेगी, एकदम क्लियर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों की आपकी जरूरत पड़ेगी। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा, आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आपको और भी कोई समस्या है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्ज की समस्या है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, या ग्रह कलेश जाता रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसके यदि समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे द्वारा राहु ग्रह को आपके बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए शाबर मंत्रों के द्वारा एक विशेष पूजा की जाती है 18 दिनों की।
इस पूजा को करने से राहु को बैलेंस कर लेना, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, सफलता सब कुछ लाइफ में आने लगता है। 85% तक आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। शावर मंत्र जो होते हैं नाथपंथियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं, और इनकी 18 दिन की विशेष पूजा होती है। आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके दादाजी के नाम और फोटो के जरिए आप संकल्प द्वारा आपके बर्थ चार्ट में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है। अगर ये पूजा आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या फिर उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, रात्रि 12 से 3 के बीच में आपको घर के एकांत कमरे में बैठना है, सामने आपको एक पटा लगाना है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं जब करते हैं तो जमीन में बैठ करके नहीं की जाती है। तांत्रिक क्रियाओं में कभी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है, अगर गलती करते हैं तो ये फिर रिजल्ट नहीं देती है। तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करेंगे, नीचे आसन लगाएंगे, सिर पे कपड़ा रखेंगे, एक पटरा बिछाएंगे, पटरे के ऊपर आपको कपड़ा बिछा देना है। अब उसके ऊपर जो भी सामग्री है, एक मुट्ठी नमक, एक मुट्ठी में जितना नमक आ जाए उतना नमक किसी पात्र में रख लें, जो यूज किया हुआ कपड़ा है या रुमाल है वो सामने रख लें, अपने हाइट के बराबर काला धागा रख लें, और अगले व्यक्ति का आपको फोटो रखना है। फोटो के उल्टे साइड में आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है रेड कलर के मार्कर से, उसके बाद में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। दोनों का नाम आपने लिख दिया, अब जो रुमाल आपने लिया हुआ था, रुमाल खोल दें, आपका यूज किया हुआ, उसको धोना नहीं है आपको, ठीक है, आपकी गंध उसमें होनी चाहिए, एनर्जी। रुमाल को आप खोल देंगे, एक मुट्ठी नमक जो होगा वो आपको नमक डाल देना है, और फोटो का आपको उसके बीचों बीच दबा देना है, नमक में पूरी फोटो जो है दब जाना चाहिए। अब उसको रुमाल को फोल्ड करें, एक गांठ लगाएं, अपना नाम लें, दूसरी गांठ लगाएं, अगले व्यक्ति का नाम लें। ये आपका तदका तैयार हो गया। जो काला धागा आपने लिया हुआ था, ठीक है, आपके हाइट के बराबर, उसको लपेटें, फिर उस व्यक्ति का नाम लें, फूंक मारें, जितने बार लपेट मतलब राउंड हो जाता है उतने बार लपेट करके हर बार नाम लेके उसमें उस फूंक मारते जाना है। ये आपका तदका तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको अभिमंत्रित करना है मंत्रों द्वारा। आपको सीधे हाथ में इसको पोटली को रखेंगे, ठीक है, उस व्यक्ति को एक मिनट तक विजुलाइज करेंगे, ऐसा लगना चाहिए कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। उसके बाद में एक मंत्र है, ओम क्लीम वसम कुरु स्वाहा। मंत्र यहां पर ओम क्लीम वसम कुरु स्वाहा, यहां पर नाम नहीं लेंगे क्योंकि आपने फोटो ऑलरेडी रखी हुई है, तो आइडेंटिटी आपके पास में ऑलरेडी है, तो आपको बस विजुलाइज करना है उस व्यक्ति को, और साथ में क्या करना है, इस मंत्र का आपको 551 टाइम्स इस मंत्र का आपको चैंटिंग करनी है, जाप करना है। मंत्रों की काउंटिंग आपको इतने ध्यान से करनी है कि एक भी मंत्र आगे पीछे ना हो। अगर मंत्र 51 से 50 हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा, मंत्र 50 से 51 से 52 हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। तो मंत्रों की काउंटिंग बिल्कुल ध्यान से करनी है, 551 मतलब 551। जब ये तदका आपका पूरा तैयार हो जाता है तो इसको उठा करके आप दो कंडीशन, तीन कंडीशन होती है आपकी, एक तो रात में जब आपने कर लिया तो इसको तुरंत आप ले जाएंगे तकिए के नीचे, तकिए के नीचे रख करके आपको सो जाना है। अब इसको आप चाहें तो आपके घर में यदि कच्ची मिट्टी है तो सुबह नहा धोकर के, दूसरे दिन नहा धोकर के स्वच्छ हो जाए, और आपके घर में यदि कच्ची मिट्टी है तो कच्ची मिट्टी में इसको दबा दें, या कोई गमला ला करके गमला में इसको दबा दें। अब यदि घर में इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं तो आपको बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर देना है, बहता हुआ जल भी नहीं है तो उसके बाद में पीपल वृक्ष के नीचे आपको जाके इसको दबा देना है। लेकिन पीपल वृक्ष में जब जाएंगे तो एक चीज का ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले पीपल वृक्ष को प्रणाम करेंगे, सूर्य अस्त से पहले इस प्रयोग को कर लेंगे, और पीपल वृक्ष में जब दबाएंगे तो पीपल वृक्ष में अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियां वास करती हैं। तो जिस भी समय पीपल वृक्ष में दबाने जाएं तो सबसे पहले पीपल वृक्ष को प्रणाम करें, पीपल वृक्ष में जो भी शक्तियां विद्यमान है सभी को प्रणाम करें, आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। उसके बाद में पीपल की जड़ को बिना नुकसान पहुंचाए थोड़ा सा खड्डा खोद के उसके नीचे आप इसको दबा देंगे, और दबाने के बाद में फिर से प्रणाम करके बिना पीछे पलटे आपको सीधे घर वापस आ जाना है। एक चीज का ध्यान देना है कि ये तांत्रिक क्रिया होती है, इसमें रोक टोक किसी की नहीं होनी चाहिए। जब ये प्रयोग आप कर रहे होंगे तो कोई भी आपको देखे ना, और रात्रि में 12 से 3 के बीच में जब प्रयोग कर रहे होंगे तब आपको घी का दिया जरूर जलाना है। अग्नि साक्षी होती है किसी भी प्रयोग के, साथ में सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है जो कि 9 ग्रहों के राजा है, तो सभी ग्रहों को बैलेंस करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना आए दिया जरूर जलाना है, ठीक है, पूरे विश्वास के साथ में करना है। और इस प्रयोग को करते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुख रखेंगे और किसी की भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। 12 से 3 के बीच में इस प्रयोग को आपको कर लेना है, ठीक है।
कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जिस व्यक्ति पर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया होती है उस पर कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। मैं और लोगों की तरह ये नहीं बोलूंगा दोस्तों कि 1 घंटे में, 3 दिन में, आपको इसका परिवर्तन 7, 11 या 21 दिन में दिखाई देगा, क्योंकि बच्चों का खेल नहीं होता है। बहुत ही जटिल क्रियाएं होती हैं, बहुत ही सावधानी से इन क्रियाओं को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये विधि करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से दोस्तों जानकारी काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपके हिसाब से जानकारी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और राहु की विशेष पूजा यदि आपको बुकिंग करानी है, 18 दिन में आपको अमेजिंग चेंजेस दिखाई देंगे, तो आप व्हाट्सएप में जाकर के और अपनी पूजा बुकिंग करा सकते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।